और मैं आ गया ब्रह्मलोक। मन को मिल गया झुंझुना फिर से, ब्रह्मलोक भी कुछ होता होगा। और कैसा होता है ब्रह्मलोक? आंखें बंद करिए और बताइए। राइट राइट, सफेद सफेद। और कैसा होता है? रंग बिरंगी रोशनियां। तो आपका इनका थोड़ा अलग अलग है। हमें डीजे नहीं है। आवाजें सुंदर सुंदर किसके में आ रही है ब्रह्मलोक में? वो आ रही है मोर की, सितार की। सितार की आ रही है, थोड़ा अलग अलग है। शंख की आ रही है। और कैसी आवाजें आ रही है? घंटा बज रहा है। और क्या है? सुंदरियां। ये बोलने वाला था, आपने बोल दिया। सुंदरियों का कुछ विवरण? सर मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ, ऐसा मैं बोलूंगा तो आपको आश्चर्य होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तुम ब्रह्मलोक से आए हो और इस जगह को भी वही बना रहे हो। तुमने यहाँ पे ब्रह्मलोक ही स्थापित कर रखा है। गंदा कचरा, झड़ता हुआ, अंदर बाहर अलग अलग नहीं हो सकता बेटा। जो वहां से आता है वैसा ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्मलोक से आया होगा ना वो ब्रह्म ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि मैं हो के आ गया हूं, कि जैसे कोई नैनीताल है कि हो के आ गए पर वैसे ही है। हाजी तो भ्रम में हो गया। हाँ। और कैसा है ब्रह्मलोक? करिए करिए, जरूरी है, क्योंकि यही बातें मन में घुस के बैठी हुई हैं। सबके मन में कुछ ना कुछ ख्याल जरूर है। गालिब ने पकड़ा था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। उन्होंने पकड़ लिया, हम पकड़े नहीं अभी तक, कि ख्याल ही तो है। कहां कोई जन्नत? कैसी होती है जन्नत सैयद, कुछ बताओ। अभी नहीं है। ख्याल कैसे है? पहुंचता तो कोई नहीं, ख्याल बहुत होते हैं। अनाथ अनाथ शब्द जिसको कहते हैं से परे से आता है। और अनाथ जो आदमी अनाथ समझ में, जिसको नाथ कभी सामने कोई अंतर। अनहद का पहली बात तो ये नहीं है कि जो हद के परे से आता है, अनहद का वो नहीं अर्थ। अनहद का मूल है अनाहत। अनाहत जो पदार्थों के घर्षण से नहीं पैदा होता, ऐसा शब्द। वो अनहद बेहद वाला नहीं है कि हद के आगे, वो गलत उसका। वो अनहद शब्द गैब धुन गाजे। गैब का मतलब जो फर्क नहीं है। इनके प्रयोग से इतना ही कहा जा रहा है कि ये वो धुन नहीं है जो तुम रोजमर्रा जिंदगी में बजाते रहते हो। शादी ब्याह का बाजा नहीं है, किसी की बांसुरी नहीं है, कुछ नहीं है। इसको ये कहते हैं एक हद से ताली बजने वाला है। अनाहत माने जो भी आवाज होती है, आवाज होती है किसी चीज पर आहत होने पर ही होती है। लेकिन जब जो आवाज बिना किसी चीज के आहत हुए हो उसे अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद को ही अनाहत कहा गया है। सब देश का अनाहत आहत माने किसी चीज पर आहत करना, मारना। और अनाहत का मतलब बिना मारे आवाज जो हो। तो आवाज जब भी होगी दो चीजों के टकराहट से होती है, लेकिन बिना टकराहट की कोई आवाज हो उसे अनाहत नाद कहते हैं, इसे अनाहत कहते हैं। ये बेचारे लोग ना बड़े परेशान हो जाते हैं। अब उन्होंने कुछ जाना, उसको व्यक्त करें तो करें कैसे? तो कुछ शब्द उठाना पड़ता है। अब जो ही शब्द उठाएं वही उल्टा पड़ जाता है। तो बेचारे बोलते हैं पर बोलने में नहीं आते। जैसे गहरे ध्यान में जाने वाले लोग बताते हैं कि जैसे घंटे की आवाज, शंख की आवाज सुनाई देती है, तो उसी कई सिंबॉलिक मंदिरों में घंटे लगे हुए हैं। कितनी कितनी पागलपन की बात है ये,
कि अंदर घंटा था इसलिए बाहर घंटा है। उनसे पूछिए कि जीवन में कभी घंटा देखा ना होता मंदिर में तो भी क्या ध्यान में घंटे की आवाज सुनाई देती। सच ये है कि चूंकि जिंदगी भर घंटा सुना है और अभी भी मन में ही तैर रहे हो, ध्यान जैसा कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए तुम्हारे घंटे बज रहे हैं। ध्यान में किसी के नहीं घंटे बजते। और एक बात और बताता हूं, सिर्फ हिंदू के ध्यान में घंटे बजेंगे, ये बेसिकली इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात इतनी सी है, मैं बताता हूं, सुनिए, सुनने में बहुत उथली बात लगेगी। मुझे बड़ा डेस्परेशन है जिंदगी में, समाधि जैसा कुछ होता होगा मुझे भी होना चाहिए, तो मैं अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहा हूं बैठा बैठा, मुझे समाधि हो रही है, हो रही है। अच्छा समाधि हो रही है, क्या हो रहा है उसमें, क्या होता है धर्म में, अच्छा घंटे बजते, हाँ घंटे बज रहे, घंटे बज रहे। और क्या है, अच्छा वाला प्रकाश होता है, अच्छा अच्छे रंग कौन से होते हैं, सफेद बड़ा अच्छा होता है, और क्या अच्छा होता है, गिरुआ बड़ा अच्छा होता है, तो गिरुए रंग का प्रकाश है और उसमें खूब घंटे बज रहे हैं। अब ऐसे ही गाइड मूवी में भी था, और गाइड मूवी भी उन्होंने देखी हुई है 20 साल पहले। उनसे पूछिए कि इतने दुनिया में 300 धर्म है, किसी यहूदी को भी समाधि लगेगी तो घंटे बजेंगे क्या? सर कबीर साहब की वाणी में आता है, लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल, ये क्या सिंबॉलिक से? अरे रूप, वही अपनी छवि भुलाए बनाए के मैं जो के पास गई, जो छवि देखी पीहू पीलो मैं अपनी भूल गई, लाली देखन मैं गई, उसको खोजन मैं गया, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गया लाल, वैसा ही हो गया। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, लाली देखन मैं गई, हेरत हेरत हे सखी मैं भी हो गई लाल, रहा गया कबीर हेराए। यही है, इसका ये थोड़ी अर्थ है कि वो लाल लाल है। थोड़ा सा बोलने की थोड़ी इजाजत देंगे, कबीर साहब ने भी उल्टा हुआ गगन में उसमें जले चिराग में बहुत स्टेजेस की व्याख्या की है, फ्रॉम बॉडी से मतलब 15 स्टेजेस 16 स्टेजेस तो भी बताई है। उसमें से जब हम आंखों से ऊपर जाते हैं सेंटर से, कहाँ से, इस मतलब शिव नेत्र से, कहाँ है जो दो आंखों के बीच में जिसको माना जाता है कंसंट्रेशन, जहाँ हम सोचते हैं इंटेलेक्ट कह सकते हैं, इंटेलेक्ट शुरू होती है। कोई है डॉक्टर यहाँ से? नहीं सोचते, नहीं जैसे आंख बंद करते हैं, यही कहा जाता है कि जो भी सोचते कहा हैं। जाता है, किसने कहा? नहीं, हम अपने तजर्बे में भी लेते हैं। आपका तजर्बा सुनी सुनाई बात से आ रहा है, वो तजर्बा है ही नहीं। कृष्णमूर्ति आप पढ़ते हैं ना, एक्सपीरियंसर इज द एक्सपीरियंस्ड, आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस वहां से आ रहा है जो आपने पहले ही अनुभव कर रखा है। कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, खोल के देख लीजिए। बच्चों में होती है आदत, खिलौने खोल के चेक करते हैं मामला क्या है अंदर, यहाँ क्या है, कोई चक्कर नहीं है। ये सब प्रतीक है, ये प्रतीक है। ओशो कहते थे कि वो फलाने मेरे पास आए, बोले मेरी ना कुंडलिनी जग गई है। मैंने पूछा क्या है, तो बोले इधर कुछ कुछ होता है। तो मैंने कहा खड़ा हो, और कहा चल उतार, उतारा तो देखा पीछे खाद हो गई थी। बच्चे करते हैं ना, वो 101 बार यहाँ रगड़ेंगे, बोलेंगे कि मेरी शिव नेत्र बन गई है, छिल जाता है रगड़ते रगड़ते, तो काले कलर का स्किन आ रहा। वही बात बता रहा हूँ, कुंडलिनी जग गई, क्यों पीठ में यहाँ कुछ होने लगा है, खुदराहट होती है, कुछ उठता उठता सा लगता है, छूने का मन करता है, दर्द भी होता है हल्का हल्का। मजे की बात, देखें कहाँ होता है कि किसी की कुंडलिनी, किसी की दवा लगा ठीक हो जाएगा, कुंडलिनी ठीक हो जाएगी। उसके लिए एक आता है वो बीटेक्स, दांत खाद खुजली का दुश्मन, ये सब प्रतीक हैं। ये तंत्र में, और इनकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि समझिए, रूमी से पूछा गया था एक बार कि सीधे सीधे हमें सच क्यों नहीं बता देते,
क्यों तुम इतनी बातें फिराते हो। रूमी भी प्रतीकों में बड़े माहिर थे, कल उनका पढ़ रहा था मर्दे खुदा, और मर्दे खुदा में उन्होंने मर्दे खुदा के बारे में इतनी बातें लिखी हैं, ऐसा करता है वैसा करता है, पूरा पढ़ लिया, बड़ा सुंदर था। सीधे सीधे क्यों नहीं, फिर एक और उनकी याद आई, उसमें कहा कि उसका नूर अगर तुम्हें सीधे सीधे स्पष्ट कर दूं तो तुम अंधे हो जाओगे, झेल नहीं पाओगे। तो इसीलिए बात प्रतीकों में करनी पड़ती है, घुमा फिरा के इशारों में करनी पड़ती है। तुम इतने अंधे हो, जैसे एक आदमी अंधा हो एकदम, या समझ लीजिए अंधा तो कोई भी नहीं है, आंखों में पट्टी बांध रखी है, और फिर उसको 1000 वाट की लाइट के सामने अचानक खोल के खड़ा कर दिया, तो उसका क्या होगा। किसी आदमी ने जिंदगी भर आंखों में पट्टी बांध रखी है, अचानक आप पट्टी खोल दो और सामने चारों तरफ 1000 वाट की रोशनी है, उसका क्या होगा, क्या होगा। तो इसीलिए उसको थोड़ा बहुत कुछ बताया जाता है, घुला के मिला के इशारे से डाइल्यूट करके प्रतीकों के द्वारा, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। आप प्रतीक को सच मत मान लीजिए, कहीं कोई चक्र नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये सब प्रतीक है, क्योंकि सीधा साधा सच हमें बताया जा नहीं सकता। और जो जान जाते हैं वो जान जाते हैं कि अरे ये तो बड़ा सरल है, इसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत ही नहीं है। थ्योरी कंफ्यूजन के लिए तो है, मतलब वो कंफ्यूजन के लिए नहीं है, वो जिसने जिसको बोली थी उसके लिए थी। एक आदमी ने दूसरे आदमी को बोली क्योंकि उसको वो भाषा समझ में आती थी। आज मैं आपसे एक भाषा बोल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आपको क्या लगता है मैं इसके साथ बैठता हूँ और उसके साथ बैठता हूँ तो इसी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ? तब हम गालियों की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेहतर समझ में आती है। आप मुझे इनके साथ बैठा हुआ देखेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये आदमी कैसी भाषा बोल रहा है, ये तो कॉलेजी लौंडों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, इधर उधर की गालियां चला रहा है और ये सब कर रहा है, वो समझ में आ जाती हैं। और चर्चा हम यही कर रहे होते हैं, हम सत्य ही समझना चाहते हैं, पर भाषा बदल जाती है। मुझे भाषा बदलनी पड़ती है क्योंकि आपका मन दूसरा है, उसका मन दूसरा है, उसका मन वो वाली भाषा ज्यादा पकड़ लेता है। अब कोई उसको पकड़ ले जो मेरे और इसके बीच की बात है और सोचे कि यही असलियत है, और जिनको सत्य समझना हो उनको माँ बहन की और सेक्स की बात करनी ही पड़ेगी, तो गलत समझ रहा है। वो मेरे इसके बीच की बात है, वो हर जगह नहीं लागू होती। कोई रहा होगा जिसे इस तरीके समझाने की जरूरत है कि कुंडलिनी होती है और ये होता है, वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ थोड़ी हो गया। उन्होंने एक जैसी बात की है क्योंकि वो एक धर्रे पे चल रहे हैं, वो एक पंथ के हैं, एक सिलसिले के हैं, वो एक सिलसिले के हैं। तो मुझे बताइए बाकी ज्ञानियों को ये सत्य क्यों नहीं अनुभव हुए। कबीर साहब की वाणी में तो उन्होंने पूरी यात्रा पूरा रास्ते दिखाए। कबीर ने कभी नहीं रास्ते दिखाए, इनका जिक्र जरूर करा है पर कभी रास्ते वास्ते नहीं दिखाए हैं। कबीर तो हमेशा पोंगा पंडितों के खिलाफ खड़े थे। ये पंडितों की बात नहीं है, उन्होंने अंदर जर्नी पे बुलाया, कभी नहीं बोला। आप मुझे बताइए कौन सा दोहा है कबीर का, उल्टा कुआं गगन में, इसका क्या अर्थ है उल्टा कुआं गगन में? आप रिवर्स यात्रा था जिस रास्ते, ये आपको किसने इसका ये अनुदित करके बताया है कि इसका ये अर्थ है? अब मैं इसको आपको दूसरा अर्थ बता दूं, अभी तो उल्टा कुआं गगन में इसका अर्थ ही बिल्कुल अलग है। गगन क्या होता है? कबीर गगन मंडल का इस्तेमाल सिर्फ एक बात के लिए करते हैं, क्या है वो? अपना मतलब चिदाकाश। चिदाकाश, तो उल्टा कुआं क्या है? कुआं क्या है? घट। घट, हाँ, घट क्या है? अपना अंदर अंतःकरण, हम। तो उल्टा कुआं आकाश में इसका क्या अर्थ है? रिवर्स है, मतलब प्रोसेस रिवर्स है। उसका अर्थ बिल्कुल वही है जो थोड़ी देर में इसमें आने वाला है कि एक पेड़ जिसकी जड़े ऊपर की तरफ है और पत्तियां नीचे की तरफ है। चिराग का क्या अर्थ है? मतलब एक ज्योत। कौन सी ज्योत? अब ज्योत, क्योंकि गगन जो है, गगन में कोई ज्योत भी नहीं होती, कोई अंधेरा भी नहीं होता। ज्योत से मतलब है आपकी अपनी चेतना। इसमें भी बताइए चक्र कहाँ आया और कुंडलिनी कहाँ है। बात बिल्कुल ठीक है, गगन मंडल में उल्टा कुआ है, उसमें ज्योत चल रही है, लेकिन इसमें चक्र और कुंडलिनी कहाँ है? जैसे बॉडी के रिफ्लेक्शन है, बॉडी के अंदर हमारे अस्तित्व के रिफ्लेक्शन बॉडी में भी है, अंड में भी। संसार के हैं, अस्तित्व के नहीं, संसार के। सत्य के, सत्य के नहीं, संसार के। संसार के कैसे कह सकते हो?
सत्य तो परम शून्य है, उसके कौन से रिफ्लेक्शन किसी में नहीं पड़ती है, सत्य परम शून्य है, बस है, उसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। जो कुछ भी जैसे शून्य की क्या, शून्य माने क्या, शून्य माने क्या, जो कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है उसकी छाया हो सकती है। जैसे गुरु नानक देव जी के साथ में इसमें आती है, हुक्म में अंदर सब कुछ, हुक्म में बाहर ना कोई, नानक हुक्म जो बुझे में रहे ना कोई। तो बहुत साधारण सी बात है ये कि वो उसी में सब कुछ है, उसके बाहर कुछ नहीं है। जो इस बात को बूझ जाए वो सब कुछ जान गया। इतना ही कह रहे हो कि समस्त द्वैत जिसको आप देख रहे हो उसका आधार वही है, वो और क्या कह रहे हैं, इसमें कहां कोई चक्कर या ऐसी कोई बात कहां है। संतों ने तो बड़ी सरल बातें कही हैं, कुछ उन्होंने कभी टेढ़ा टपड़ा करा ही नहीं। टेढ़ा टपड़ा आदमी का मन कर देता है उसको। नानक जब बोल रहे हैं तो बड़े सरल मन से बोल रहे हैं। कबीर साहब के बड़ी बड़ी मोटी इतनी किताबें हैं, है नहीं इतनी किताबें, सागर, अनुराग सागर, ये अनंत सागर, कई सागर बने हैं। ये सब तो जितना आप बोल रहे हैं, कबीर का जो प्रमुख ग्रंथ है बीजक, उसको बीजक की बात कर रहा हूँ, बीजक को ध्यान से उसी में डूब जाइए, उतना बहुत है। फिर उसके बाद बाकी यात्राएं करिएगा, तब मजा आएगा। आपने सारे इधर जो इतने इधर उधर के उनके नाम ले लिए, जहां पर कबीर की आत्मा बैठी हुई है उसका नाम तो लीजिए पहले। हथरस के एक संत है तुलसीदास, तुलसी साहब के नाम से। अब उनकी वाणी घट रामायण है, वो घट रामायण बिल्कुल समझ में नहीं आती, किसी से बोली होगी जो समझता होगा, निर्भर करता है ना किससे बोली है। ज्ञान दिया था शेख तकी, तो बस यही है, शेख तकी को समझ में आती होगी। वो रामायण हमारे आपके लिए फिर नहीं बोली गई थी ना, वो किसी और के लिए बोली गई थी, उसको आती है समझ में। ऐसा होता है कोई अंदर के अंदर की बात करता है, और बिल्कुल होता है, मतलब वो सबको समझ में आता कैसे आएगी। भाषा तो आपके मन पे निर्भर करेगी ना। यहाँ पे कुछ बैठे हैं जो बाप या माँ हो, पेरेंट्स, बच्चों से आप जो बात करते हो सब समझ जाते हैं क्या? सारे लोग समझते हैं, जो हमें पता है। और आपके बच्चे को पता है कैसे कैसे होती है? आप समझ के बताइए, माँ समझ गई, बच्चा समझ गया, आप समझ के बताइए। और माँ भी समझ गई, बच्चा भी समझ गया, दोनों खुश हैं, आप बताइए समझ। उसको बोलते ही है मदरिस्क, वो सिर्फ इन दो के बीच की है, तीसरा कोई नहीं समझ सकता। तीसरे को लगेगा क्या ये क्या भी नहीं है फालतू। जिन दो की बात है वही दो समझ सकते हैं ठीक ठीक, कृष्ण अर्जुन की बात है वही दोनों समझेंगे। इसीलिए गीता में समझ में नहीं आती, बोली अर्जुन से गई थी, वो क्षत्रिय था तो इसको उत्तेजित करने के लिए 70 बार बोल रहे हैं अपने धर्म का पालन कर क्षत्रिय। वो आप क्षत्रिय हैं तो आपको कृष्ण की बात कहां समझ में आएगी? आप अर्जुन हैं? नहीं है। आपके हैं दो चार बीवियां? नहीं है। आप उस सिचुएशन में भी नहीं, आप उस स्थिति में है? नहीं है। आप मार्ग बता रहे हैं, दैट इज अ सिंपल चेक, पर बाकी जितने सूफियों ने की बुक है वो अलर्ट करती है। कौन सी बुक लाइए तो देखें, कभी लाइए देखते हैं कहां पे इस तरह की खतरनाक तो समझ ही नहीं आती। आपने यही क्यों चुनी ये तो बताइए। इतनी दुनिया में कबीर साहब क्या थे, ये कौन थे, कैसे थे भी? कबीर तो मैं भी 5 साल से पढ़ रहा हूँ और पहले से भी, मुझे कभी कबीर में कोई कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई ही नहीं दी। जो गुरुओं ने हमें, जो हमारे गुरुओं ने मार्गदर्शन दिया है उससे तो कबीर साहब समझ आ रहे हैं। कबीर जनमानस से बोलते थे, कबीर ने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी टिप्पणी की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होगा जो कबीर की खुद वाणी कबीर साहब ने खुद लिखी है, ऐसा तो कोई दूसरों ने लिखा है, पर इतना तो हम मान ही सकते हैं कि जो लिखा है वो ठीक लिखा है, कबीर का ही वचन है। अब ये भी माने कि हाँ उसमें भी कुछ प्रक्षेपण है तो अलग बात है। तो कबीर जब बोल रहे हैं तो वो तो सीधा सीधा संवाद है, या कबीर ने ये सोच ही लिया कि पहले मैं बोलूं फिर बीच में मिडिल मैन चाहिए जो मेरी बात का ट्रांसलेशन करे और तब मेरी बात समझने योग्य बनेगी?
कबीर किस दृष्टि से बोल रहे हैं, कबीर सीधी बात आपके सामने रख रहे हैं, ये रही बात समझो, उसमें कहां कुछ टेढ़ा टपड़ा है, कुछ टेढ़ा है ही नहीं, सब सरल है। हाँ चाय पी रहे हैं, कुछ बात हुई बोल दिया, अब वो ट्रांसलेटर थोड़ी बैठा के बैठे, राम बाबू गुरु जी है, बिल्कुल है कबीर अभी भी है, पर वो कौन से कबीर है, वो कहते कभी कबीर को ही कबीर वो अपने सदगुरु मानते हैं। अरे कबीर नहीं है कबीर, कबीर अल्लाह के नामों में से एक कि डिफरेंट युगों में जब जब भी ये मतलब वो भी बहुत सरल सी बात है। अभी हमने जैसे कहा कि जो जाने वही बुद्ध है, तो वही बात है कि जो जाने वही कबीर है, ठीक जैसे जो जाने वो बुद्ध वैसे ही जो जाने वो कबीर। कई थोड़ी मतलब ये कबीर कहीं बैठे हुए, जैसे अश्वत्थामा को मिला था कि ससुरे कभी मरोगे नहीं, तो लोग कहते हो फलानी गुफा में अभी भी बैठा हुआ है, तो ऐसे कबीर कहीं बैठे हुए हैं। और इनको याद करने से इनकी वाइब्रेशन आ जाती है। सर वाइब्रेशंस एक फिजिकल फिनोमिना है, जो कबीर अभी हैं वो फिजिकल नहीं है कि वो आपको एक फिजिकल तरंग भेजेंगे। वाइब्रेशन क्या है, y is equal to sin x plus t, वाइब्रेशन मतलब एक फिजिकल फिनोमिना है। कबीर कैसे पैदा करेंगे मुझे बताइए, कैसे मैं पानी में पत्थर मारूं तो तरंग उठती है, कबीर कैसे तरंग उठाएंगे, कहां पत्थर है जो कबीर मारेंगे तो पानी में वेव उठे। कबीर साहब को याद करें, संतों को याद करें, बैठे ध्यान। जब आप कबीर को याद करते हो तो आत्मस्मरण है, आप कबीर को नहीं याद करते, आप कबीर के माध्यम से अपने आप को याद करते हो। तो किसी के माध्यम से याद करो या सीधे ही याद कर लो, एक ही बात है। जब आप कबीर को याद करते हो, जब हम यहां बैठते हैं, हमने कबीर पे खूब चर्चाएं करी हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम कबीर को डिस्कस कर रहे हैं या खुद को देख रहे हैं। तो कबीर जो आज है वो कबीर है हमारा सत्व, हमारा होना, हमारा गुरु, हमारा आत्मबोध। पहली बात तो ये है कि हमारे अलावा कोई सत्य है नहीं, जो हमें हम तक वापस ना ला पाए वो मामला ही गड़बड़ है। जीवन भर कबीर क्या 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 बोलते रहे, अपना आप पहचान, अपना आप पहचान, आया था किस काम को सोया चादर तान, सूरत संभाल ले गाफिल, अपना आप पहचान। या कबीर ये बोल रहे थे कि मेरा को पहचान, कबीर क्या बोल रहे थे, अपना आप पहचान, या ये बोल रहे थे कि मेरे को पहचान। अपना आप पहचान माने क्या, आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस। सारा चक्कर सेल्फ अवेयरनेस का ही है, उसमें कबीर कहीं नहीं खड़े हैं, कबीर को कोई प्रयोजन नहीं हमसे। कबीर कह रहे हैं खुद को जानो, अपनी दृष्टि से देखो।